Class students, this is your English teacher and welcoming you to your online classes. So students, कल हम टोटो की शैतानियों के बारे में बात कर रहे थे. As you all know, we were reading our chapter, The Adventures of Toto the Monkey. आज टोटो की शैतानियों को और भी ज्यादा कंटिन्यू करते हुए, कल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से दादाजी को वो इतना मासूम लग रहा था कि वो उसे उठाकर घर पे ले आए, अपने जूम में ऐड किया, उसे घर में जगह दी. लेकिन टोटो जैसा मंकी, मींस मंकी इतना ज्यादा शैतान, जो हमेशा ही शैतान होता है, वो कैसे शराफत रख ले. यही उसने किया. सहारनपुर जब वो जा रहे थे तो ट्रेन में उसने बहुत शांति से बैठा, लेकिन सारी कसर उसने पूरी कर दी जब टिकट कलेक्टर के सामने आया. अब बाकी के जो तीन पॉइंट्स हैं, हम कंटिन्यू करते हुए उन्हें पढ़ते हैं. अब जब बताया गया है कि सहारनपुर वाली उसकी जो बातें थी, अब दादी माँ को पता चल गई. दादी माँ को पता चल गई तो टोटो के बारे में तो पता चलना था ही, लेकिन फिर भी दादी माँ ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया. अब उसे रखा गया बाकी जानवरों के साथ ही, और एक नैना नाम की उनका डोंकी भी था, फीमेल डोंकी थी. सो अब यहाँ पर बात की गई है कि टोटो और नैना कभी इकट्ठे नहीं रहे, हमेशा उनकी लड़ाई होती रही है, हमेशा उन मतलब एक दूसरे से छेड़खानी, हमेशा एक दूसरे से शरारतें करते रहे हैं. नैना बहुत सीधी सादी डोंकी है, लेकिन जो टोटो है वो बिल्कुल भी कसर का नहीं है, वो सारी अपनी कमी पूरी करता है शरारतों की उसके साथ. सेकंड पॉइंट, टोटो को ट्रीट का मतलब है, ट्रीट ऑफ टोटो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो टोटो है उसके लिए सबसे अच्छा टाइम पीरियड क्या होता था, जब उसे नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाता था. और एक बार तो गर्म पानी में नहाने के चलते उसने ऐसा काम भी करके दिखा दिया कि बस वो जलते जलते बचा. क्या था वो इंसिडेंट, ये हम पढ़ेंगे अपने टेक्स्ट के अंदर. और थर्ड है हमारा ग्रैंडफादर का डिसीजन. अब ग्रैंडफादर उसकी शैतानियों से खुश होते हैं. स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि इतना ज्यादा इनोवेटिव मंकी लाया हूं ना मैं, इतना ज्यादा अच्छा लगता है दादाजी को देखकर कि इतना अच्छा, इतना समझदार बंदर लेकर आया हूँ इस बार तो मैं. तो क्या ये उनका डिसीजन कि वो बंदर बहुत ही ज्यादा समझदार है, आगे तक रहता है, या फिर वो उसे वापस भेजने का डिसाइड कर लेते हैं. अब हम ये चीजें अपने टेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे. चलिए जानते हैं कि इन तीन पॉइंट्स को और एक्सप्लेनेशन में हमने क्या जाना है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट. When Toto was finally accepted by grandmother, जब finally Toto की शैतानियाँ देखने के बाद, उसे सहारनपुर में इतना कुछ उसका झेलने के बाद, दादी माँ को पता चला कि Toto ऐसा है, फिर भी उन्होंने accept कर लिया. He was given a comfortable home in the stable. उसे अस्तबल में रहने के लिए एक अच्छी सी जगह दे दी गई. अब वो उसका घर हो गया था. वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नैना, जहाँ पर उसका एक साथी भी था, वो घर का गधा था, नाम था नैना. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अस्तबल में टोटो की पहली रात कैसी थी, दादाजी ये चेक करने के लिए कि वो ठीक से सोया है या नहीं, ही पेड हिम अ विजिट टू सी, वो उसे देखने के लिए वहाँ गए, इफ ही वॉज कम्फर्टेबल, ये देखने के लिए कि क्या वो वहाँ कम्फर्टेबल था. टू हिज सरप्राइज, और हैरानी की बात ये थी, ही फाउंड नैना विदाउट apparent कॉज, apparent मतलब प्रॉपर, बिना किसी कारण के ही उन्होंने देखा कि जो नैना है, पुलिंग एट हर हाल्टर, अपनी पूरी कोशिश, अपनी पूरी जान लगा रही थी और किसी चीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, या कभी मतलब अपने सींगों को कभी एक भूसे के ढेर में अपना सर देती थी, कभी बाहर निकालती थी. एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और उस भूसे के ढेर से अपने सिर को जितना दूर हो सके उतना दूर रखने की कोशिश कर रही थी. ग्रैंडफादर गेव नैना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, दादाजी ने नैना को उसकी पीठ पर उसके पीछे एक जोर से थप्पड़ लगाया. एंड शी जर्क बैक, और जर्क का मतलब हिलना, और वो हिल कर जल्दी से पीछे हुई. अब जैसे ही वो पीछे होती है तो उसके सींग, उसका सर बाहर निकलता है भूसे के ढेर से, और क्या देखते हैं दादाजी कि वहां पर जो नैना थी उसने अपने सींगों में टोटो को अटका रखा था. जब उसके सींग, उसके जो कान थे, वो बाहर निकलते हैं भूसे के ढेर से, तो टोटो उस ढेर में से बाहर निकलता है. He had fastened on to her long ears, उसने बड़े बड़े कानों को बांध रखा था.
विद हिज शार्प लिटिल टीथ। उसने अपने बड़े बड़े कानों से उसके तेज नुकीले दांतों को जल्दी से उसके कानों को पकड़ा हुआ था अपने नुकीले दांतों से। टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। और ऐसी हरकतें करने के बाद टोटो और नैना कभी अच्छे दोस्त बन ही नहीं पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स। एक बहुत ही अच्छा टाइम, एक बहुत ही अच्छी पार्टी का जो मौसम होता था वो टोटो के लिए कब होता था? सर्दियों की शाम को। वो मौसम, वो टाइम क्या था? वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। ये सबसे अच्छा टाइम उसका होता था जब सर्दियों में उसे नहाने के लिए गर्म पानी का एक बहुत बड़ा बर्तन दे दिया जाता था उसको नहाने के लिए। दादी मैं उसमें पानी भर के देती थी। He would cunningly test the temperature. सबसे पहले तो वो बहुत चालाकी से पानी के टेम्परेचर को अपने हाथ से चेक करता था। Then gradually step into the bath. फिर धीरे धीरे पानी में नहाने के लिए उतरता। कैसे? जैसे नॉर्मल छोटे बच्चे होते हैं ना, ये करते हैं कि पहले पानी के टेम्परेचर को चेक करते हैं, फिर एक पैर अंदर रखना, फिर दूसरा पैर, जैसा कि उसने नरेटर को ये काम करते हुए भी देखा था। Until he was into the water up to his neck. और पानी के अंदर वो जब तक खुद को डुबाता रहता था, तब जब तक कि वो गर्दन तक उस पानी में सेटल ना हो जाए। Once comfortable, एक बार comfortable होने के बाद, he would take the soap in his hands or feet. एक बार comfortable होने के बाद, फिर वो अपने हाथों पैरों पर साबुन लगाता and rub himself all over. और अपने ऊपर बहुत अच्छे से साबुन पूरे शरीर पर रगड़ता। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out, वो उस पानी से बाहर निकल जाता and run as quickly as he could to the kitchen fire. किचन में जलती हुई आग के आगे जितना जल्दी हो सकता था वो जल्दी से जल्दी आकर खड़ा हो जाता था in order to dry himself, ताकि वो खुद के शरीर को सुखा सके। If anyone laughed at him during this performance, अगर उसके इस काम को करते टाइम कोई उस पर हंसता था तो टोटो की फीलिंग इतनी ज्यादा हर्ट हो जाती। जैसे इंसानों को बुरा लगता है ना कि ये मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, ऐसे ही टोटो को भी इतना बुरा लगता था कि वो फिर अगले बार नहाने से मना ही कर देता था। He would refuse to go on with his bath. वो नहाने से ही मना कर देता था। One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. और एक दिन तो ऐसा हुआ कि टोटो ने लगभग खुद को पानी में जला ही लिया था। Succeeded का मतलब successful। वो उसने खुद ने ही ऐसा काम कर लिया कि वो लगभग पानी में जल ही जाता। A large kitchen kettle had been left on fire to boil for tea. एक बहुत ही बड़ा केतली, बहुत ही बड़ी किचन में यूज होने वाली केतली आग पर जलाने के लिए रखी गई थी ताकि वो चाय के लिए पानी उसमें उबल सके। इतनी बड़ी वो केटल थी कि उसमें पूरी फैमिली की चाय आराम से बन सकती थी और इतनी भी बड़ी थी कि उसमें टोटो जितना एक मंकी बैठ सकता था। एंड टोटो, अब जब हम पढ़ते हैं कि पहले तो उसको मतलब केटल आग पर रखी गई है चाय के लिए तैयार होने के लिए, चाय के लिए पानी उबलने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू। और टोटो जिसके पास अब कुछ अच्छा था नहीं करने के लिए, तो उसने सोचा खाली बैठा हूँ नहा ही लेता हूँ। Decided to remove the lid. Lid मतलब ढक्कन। अब उसने डिसाइड किया कि वो इस ढक्कन को हटा देगा। Finding the water just warm enough for a bath, एक बार ये देखने के बाद कि पानी इतना गर्म तो है कि मैं नहा सकता हूँ, he got in. जब उसे लगा कि इतना गर्म पानी है कि मैं नहा सकता हूँ तो वो अंदर चला गया। With his head sticking out from the open kettle, अपना सर उस केटल से बाहर निकालते हुए, सिर्फ उसने अपना सर बाहर निकाल रखा था, बाकी की बॉडी जैसे वो अपने गर्दन तक उस पानी में सेटल हो चुका था। This was just fine for a while. अब नीचे आग जल रही है, थोड़ी देर के लिए तो पानी नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन आग जल रही है तो वो भी तो अपना काम करेगी। धीरे धीरे पानी ने उबलना शुरू कर दिया। Until the water began to boil. टोटो आराम से बैठा रहा उस पानी में जब तक कि पानी ने उबलना शुरू नहीं किया। अब जब पानी उबलना शुरू हो गया तो टोटो थोड़ा सा बाहर निकल के देखता है क्योंकि उसे अंदर अब गर्मी लग रही है। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल। उसने थोड़ा सा खुद को बाहर निकाला। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन उसे क्या लगता है कि बाहर तो ज्यादा ठंड है तो अंदर बैठना ही ठीक है। सेट डाउन अगेन, इसलिए वो दोबारा अंदर बैठ जाता है।
ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के लिए तो वो ऐसे ही उछलता रहा क्योंकि नीचे का जो सरफेस था वो बहुत गर्म हो चुका था और जो केटली में पानी था वो नीचे नीचे से गर्म और भी ज्यादा उबलता जा रहा था। ये जब तक उछलता रहा टोटो उस पानी में, जब तक कि दादी माँ नहीं आ गई और उन्होंने उस टोटो को खींचकर बाहर निकाला। अब बाहर निकाल तो लिया लेकिन हाफ बॉइल मतलब आधा जल चुका था जब वो केटल से बाहर निकला। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अगर किसी के दिमाग का हिस्सा सिर्फ शरारत के लिए ही बना हुआ है तो वो हिस्सा सबसे ज्यादा टोटो को मिला है। हर किसी के दिमाग में शैतानियां चलती है, भगवान ने सबको एक जैसा दिमाग दिया, डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग को किस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन टोटो ने सोच रखा था कि उसने तो अपना दिमाग सिर्फ शैतानी में ही लगाना है। He was always tearing things to pieces, हमेशा वो चीजों को टुकड़ों में करता रहता था। Whenever one of my aunts came near him, जब भी मेरी कोई आंटी उसके पास आती थी तो वो पूरी कोशिश करता था कि उनकी ड्रेस, चाहे साड़ी चाहे सूट चाहे कोई भी ड्रेस हो, वो हमेशा कोशिश करता था कि उनकी ड्रेस को फाड़ सके और उस ड्रेस को फाड़ कर एक छेद, बिल्कुल पूरी कोशिश करता था कि एक छेद तो मैं कर पाऊँ उनके कपड़ों में। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल। एक बार लंच के टाइम की बात है कि डाइनिंग टेबल पर पुलाव मीन्स चावल, चावल पुलाव एक ऐसी राइस डिश होती है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मीन्स बहुत सारी वेजिटेबल्स मिलाई जाती हैं। तो पुलाव की एक बहुत टेस्टी डिश रखी गई थी डाइनिंग टेबल के बिल्कुल बीचों बीच। शायद उस टाइम पर हमारे घर में गेस्ट आने वाले थे इसलिए हमने ऐसा किया था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। और जब हम रूम में घुसते हैं लंच के लिए तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि टोटो ने पूरा अपना मुंह ठूस रखा था चावलों से। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ उसे देखकर जोर से चिल्लाई, लेकिन टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। और उस टाइम पर टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक कर मारी। One of my aunts rushed forward, मेरी aunties में से एक ही आगे की तरफ भागी कि मैं इस बंदर को मजा चखाती हूँ, और उन आंटी के मुंह पर टोटो ने पानी से भरा हुआ गिलास फेंक दिया। When grandfather arrived, लेकिन जब दादाजी आए तो दादाजी की वो बात समझता था और सिर्फ दादाजी ही कंट्रोल कर सकते थे उसको। तो जब दादाजी वहां आए टोटो ने क्या किया, अब उनसे कुछ कह तो सकता नहीं, तो टोटो ने उस पुलाव की डिश को ही उठा लिया, प्लेट को उठा लिया और फिर विंडो से बाहर निकल गया। We found him in the branches of jackfruit tree. Jackfruit मतलब कटहल, कटहल के पेड़ की जो टहनियां थी उसमें हमने उसे बैठे हुए देखा। The dish still in his arms, अभी भी वो प्लेट उसके हाथ में थी। He remained there all afternoon, पूरी दोपहर वो उस टहनी पर बैठा रहा, धीरे धीरे हमें चिढ़ा चिढ़ा कर एक एक दाना खत्म करने की कोशिश करता रहा। And then, in order to spite grandmother, grandmother उसके ऊपर चिल्लाई थी ना, तो इसलिए दादी माँ को और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए उसने क्या किया, He threw the dish down from the tree. उसने जिस टहनी पर बैठा था वहां से ही उसने प्लेट को नीचे फेंक दिया। अब वो प्लेट जैसे इतने कई सौ टुकड़ों में बट गई, तो उस प्लेट को, टूटी हुई प्लेट को देखकर टोटो इतना खुश होता है कि मैंने कितना महान काम कर दिया। चैटर्ड विद डिलाइट का मतलब खुशी से इतना चहचहाने लगा वो कि मैंने तो बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, आज ये प्लेट कई सौ टुकड़ों में बांट दी मैंने। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट। टोटो एक ऐसा पालतू जानवर बन ही नहीं सकता था जिसे हम ज्यादा टाइम के लिए अपने पास रख पाते। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, दादाजी ने भी इस बात को रियलाइज कर लिया था। वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने अमीर इंसान नहीं थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, हम इतना नुकसान नहीं झेल सकते थे, कभी प्लेट्स का टूटना, कभी कपड़ों का फटना, कभी पर्दे खराब होना, कभी दीवार की वॉल पेपर खराब होना, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हमारे साथ वो इतना नुकसान करे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, दादाजी ने उसी टोंगा ड्राइवर को ढूंढा, एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को उसे वापस दे दिया। अब दादाजी को भी ये समझ आ गया था कि भाई ये तो टोंगा ड्राइवर के पास बंधा हुआ ही सही था, और अब
पहले तो उन्होंने 5 रुपए में खरीदा, लेकिन उन्हें नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि वो उन्हें 3 रुपए में वापस मिला। यहाँ पर उनको 2 रुपए का नुकसान तो हो गया, लेकिन चलो बहुत ज्यादा भारी नुकसान होने से वो बच गए क्योंकि पहले ही बहुत सारा घर का सामान उनका टूट फूट हो चुका था या नुकसान में जा चुका था। सो अब आपको समझ में आया कि जो टोटो है या ऐसे जो मंकीज होते हैं वो पेट रहने लायक नहीं है। यहाँ पर आप उन्हें लगाव दीजिए, आप उन्हें प्यार दीजिए, लेकिन किसी मंकी को पेट बनाने से पहले प्लीज इस चैप्टर को जरूर याद कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।